दोस्तों, नासा का मोस्ट एम्बिशियस मिशन जिसका नाम है परसिवरेंस रोवर ने मार्स प्लैनेट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। और ये रोवर जो है नासा का अब तक का पांचवा रोवर मिशन है। और इसमें और क्या क्या भेजा गया है और कब तक पृथ्वी पर वापस आएगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं विनय कुमार आप सबका अपने चैनल टेलियन चॉइस स्टोरी द बेस्ट टू लर्न स्पेस साइंस पर वेलकम करता हूँ। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, मार्स प्लैनेट जिसे हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका जो सरफेस है वो रेड पाया जाता है। तथा बात करें कि इस मिशन को नासा ने 30 जुलाई 2020 को भेजा था और अब लगभग 7 महीने के बाद इसने मार्स प्लैनेट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। और ये लैंडिंग उसने मार्स प्लैनेट पर एक प्लेस है जिसका नाम रखा गया है जिजेव क्रेटर पर उसने की है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि एक बहुत बड़ी जो झील है ये बहुत पहले यहाँ पर हुआ करती थी। और कई सारे यहाँ पर नुकीले पहाड़, पर्वत और रेत के टीले भी पाए जाते हैं, और ये सब वहाँ पर जीवन की संभावनाओं की तलाश करने में मदद करेंगे, इसलिए वहाँ पर नासा को इसको उतारा गया है। तथा कार की साइज का ये जो रोवर है इसमें 9 व्हील भी लगे हुए हैं, और ये जो है प्लूटोनियम पावर यानी कि एटॉमिक ऊर्जा से वर्क करेगा और लगभग 10 सालों के बाद पृथ्वी पर वापस आएगा, यानी कि 2031 में पृथ्वी पर वापस आने की इसकी उम्मीद है। और ये मार्स प्लैनेट पर नासा का 9वां मिशन है और लगभग 5वां रोवर मिशन है। तथा इस मिशन में नासा ने एक इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर भी भेजा है जिसका वेट लगभग 2 kg का है, और इसमें जो रोवर है उसके अगर हम वेट की बात करें तो वो लगभग 1000 kg का है। तथा ये पहली बार हुआ है जब नासा ने एक एटॉमिक रोवर भेजा है और ये 10 साल तक वहाँ पर वर्क करेगा। तथा इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है जिसकी वजह से मार्स प्लैनेट पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा, और उसके लिए इसमें एक डिवाइस लगाई गई है जिसका नाम है मॉक्सी यानी कि मार्स ऑक्सीजन इन टू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तथा आपको बता दें कि मार्स प्लैनेट पर ये इस साल का 3रा और सक्सेसफुल मिशन है और आखिरी मिशन भी शायद है, क्योंकि ये जो मिशन थे वो 2020 में तीनों के तीनों मिशन भेजे गए थे। जैसे पहला था यूएई का होप प्रोब मिशन, और उसके बाद चाइना का मिशन था जिसका नाम था 93वां मिशन। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।